में मैंने देखी है, जब जंजीर के वक्त सलीम अंकल और आपने जब ये फिल्म लिखी थी, अमित जी वॉज सच अ गुड एक्टर बट आई थिंक ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू आई मीन द राइट फिल्म और व्हाटएवर. तो उसके पहले ये जो अमित जी पे लैंड हुआ है, हमें सदी का सबसे बड़ा महानायक मिला. जो कन्विक्शन उस वक्त आपका रहा होगा जंजीर में अमित जी को लेने का, वो एक कौन सा पल था या क्या मोमेंट था या कैसे हुआ, ये मैं तो जानना चाहता हूँ. आई एम श्योर द ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो बिकॉज इट इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री. एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा. बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का, वो उनका सोचा हुआ है. तो अब जो हमने मनाई किस वक्त, कि जब आरडी बर्मन पीक पे था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे, सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी, राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार, उस वक्त हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता. हाँ, जिसमें हीरो रोमांस ही नहीं करता. अनबिलीवेबल. जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं. 73 में. तो अब ये मार्केट के खिलाफ बात थी. उस तो हीरो की हिम्मत थी, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना. अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस सा लड़का, ओके यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार. तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे. जी, करेक्ट. लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस बारे में हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता. उसका नाम है प्रकाश मेहरा. प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली और ये उनका पहला प्रोडक्शन होने वाला था. और ये कहानी हर सक्सेसफुल हीरो ने रिजेक्ट कर दी. हर हीरो कह रहा है कि कहानी ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा. उसने कहा कि बनाऊंगा तुम्हें यही. क्या बात है. मैं सलाम करता हूँ. और उसके बाद ये बड़ा अच्छा हुआ कि हर हीरो ने रिफ्यूज कर दिया. एक बार मैं कहीं कार में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट के साथ जा रहा था, तो मैंने दिखाया कि देखो ये जो बंगला है ना, मैं इसके पोर्च में सोता था. तो कहने लगे अच्छा अच्छा. फिर आगे चली तो इधर बात हो रही थी. मैंने एक हीरो का जिक्र किया कि उन्होंने भी सुन के रिजेक्ट कर दिया था. तो कह ले अगर उन्होंने कर ली होती तो मैंने कहा फिर मैं उसी पोर्च में सो रहा होता. तो ये हमारी किस्मत थी कि हमें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इस रोल के लिए मिला. क्या बात. वाह, क्या बात है. बात चली है तो फिर दो चीजें, एक ये और एक अरे ओ सांबा. मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जी, अरे साहब आपके शोले में जो डायलॉग थे क्या बात, आप ही लिख सकते थे. अरे ओ सांभा, वाह 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 वाह. कितने आदमी थे, अरे कमाल है. मतलब ये कोई डायलॉग है इनकी तारीफ की जाए. कितने आदमी थे, वाह सर वाह, कितने आदमी थे, आपने लिख. कुछ होता है जब पत्ते सही पड़ जाते हैं तो सत्य सही पड़ जाते हैं. हुआ क्या, स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले के लेवल पे सांभा नाम का कोई आदमी नहीं था. अच्छा. अब जब मैं डायलॉग लिख रहा था तो एक आदमी ये कहे मेरे ऊपर सरकार ने 50,000 इनाम रखे हैं, ये छिछोरा पल्ला. ये अच्छा नहीं लगता कि वो खुद कहे. जी, बड़ा आदमी जो है उसका क्या होता है कि उसके जो साइको फ्रेंड्स होते हैं तो बताओ इन्हें मैंने क्या किया तो वो बताता. सिर्फ इस वजह से उस सीन में ये डायलॉग डाल दिया कि अरे ओ सांभा सरकार कितना इनाम है रखे हैं. तो वो बताएगा ना सांभा, हम खुद क्यों अपने मुंह से बोल. और जो सांभा का रोल जिन्होंने किया था उनके पिक्चर में डायलॉग 3 वर्ड का था बस. जी. पूरी पिक्चर में पूरे 50,000 बस. इसके अलावा वो कभी कुछ बोले ही नहीं. जी, जी. तो ये एक सिर्फ 50,000 कहलवाने के लिए डायलॉग में कैरेक्टर आ गया और वो इतना लोगों को याद है. एक बार जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.